सेक्टर 29 के साईं बाबा मंदिर में आज सुबह 3 बजे एक चोर ने मंदिर की गोलक से करीब 5 लाख चोरी कर लिए। मंदिर में लगे साईं बाबा की मूर्ति के बिल्कुल आगे लगे इस गोलक में चढ़ावा जमा हुआ था जो कि मंदिर की कमेटी ने निकालना था, लेकिन ठीक कुछ समय पहले ही चोर सारा चढ़ावा उड़ा ले गए। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें चोर अपने मुंह पर मखोटा पहने हुए हैं और अपने पूरे शरीर को बोरी से ढक रहा है। आपको बता दें कि ये टूटी हुई खिड़की से चोर सुबह के करीब 3 बजे मंदिर में घुसा जब सब सो रहे थे। मंदिर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिनको चोर ने बड़ी चुस्ती से घुमाया और करीब 5 लाख उड़ाए। चोरी में चोर ने ना ही छोटे नोट उठाए और ना ही चांदी के बर्तन, लेकिन सभी बड़े नोट भोरी में भरे और दबे पांव निकल गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब सुबह मंदिर की कमेटी के मेंबर आए तो पता चला कि सब चढ़ावा गायब था। पुलिस को इत्तला की गई और मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगा। हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम ने सैंपल ले लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। चोर इतना शातिर था कि वो अपने हाथों और पैरों पर काला रंग लगा के आया ताकि किसी तरह के सैंपल में जांच ना हो सके। सेक्टर 29 में साईं बाबा मंदिर है जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें छत के फर्स्ट फ्लोर से कोई खिड़की कूद के और खिड़की की जाली तोड़ के अंदर आया और उसने कुछ जो यहाँ का दान पात्र होता है उसमें रखे हुए कुछ सारे पैसे नहीं चुराए हैं उसने, आधे बड़े बड़े नोट चुराए हैं और हम इसकी जांच कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कोई क्लू आता है हम इसमें कार्रवाई करेंगे। इसी फुटेज से थोड़ी मदद हमें मिल रही है बट ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं आपको बता नहीं सकता। कैलकुलेशन की जा रही है क्योंकि उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होती अभी। हर मंथ वो गल्ला खुलता है तो उसमें एग्जैक्ट कितना अमाउंट था वो भी पता नहीं है, अभी नहीं कहा जा सकता। एक अंदर आया था और एक उसकी मदद के लिए बाहर भी था तो हम देख। चंडीगढ़ से बलविंदर आर्या की रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।